नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल बाबा जी में। मैं हूं आप सभी का दोस्त सुधांश और आज हम लोग बात करेंगे ऑटो लाइकर्स के बारे में। जी हां, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे आप लोग लाइक पाने के लिए ऑटो लाइकर का यूज करते हो, लाइक बढ़ाने के लिए ऑटो लाइकर्स का यूज कर लेते हैं, वहां पे साइन अप करते हैं। तो इससे क्या सेफ है आपके लिए, क्या नुकसान है, क्या क्या हो सकता है इस ये करने से, इस विषय पे आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल टेक्निकल बाबा जी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई चार्ज नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है और आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए अमूल्य है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले अगले अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, आईडी नीचे डिस्प्ले हो रही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, तो बात कर लेते हैं ऑटो लाइकर्स के बारे में। एक लाइन में मैं सिंपली बता दूं कि अगर ऑटो लाइकर्स का आप यूज करते हैं तो प्लीज मत करिए, इससे आपको ढेर सारी परेशानियां हो सकती हैं। अब इस पर बात कर लेते हैं, ये होता क्या ऑटो लाइकर, बहुत लोगों को नहीं पता। तो होता यह है कि आपके फेसबुक पे या किसी फोटो को पोस्ट करते हो, देखते हो आपके दोस्त के फोटो 500 600 हजार लाइक आते हैं और आपके दो चार पांच अच्छी अच्छी पिक्स डालते हो तब भी लाइक्स कम आते हैं, तो आप उदास हो जाते हो। उदास होकर कहां जाते हो, ऑटो लाइकर वालों के पास। अब ऑटो लाइकर में करता क्या है, वो आपके फोटो को लाइक बढ़ा देता है। अब लाइक कैसे बढ़ाता है, तो जब ऑटो लाइकर जितने भी एप्लीकेशन है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उन सबका, पर हैं, तो उन पे आप आईडी जब उसको ओपन करोगे तो आपका फेसबुक आईडी पासवर्ड मांगता है। तो वहां पे फेसबुक आईडी पासवर्ड रजिस्टर्ड जब कर दिए, तो इस रजिस्टर्ड करने का मतलब ये हुआ कि आपने अपनी आईडी और पासवर्ड उसको दे दी। अब आईडी पासवर्ड दे दी तो उससे अब नुकसान क्या क्या हो सकता है, पहले नुकसान की बात कर लेते हैं। नुकसान ये होगा कि आपकी आईडी हैक हो कर सकता है, आपके आईडी से किसी को मैसेज कर सकता है, फेसबुक आपकी आईडी ब्लॉक भी कर सकता है, ये हो सकती है। अब देखो ऑटो लाइकर काम कैसे करता है। अब ये होता है, आपने साइन अप किया ऑटो लाइकर पे, आपके उससे पहले किसी और ने किया होगा, मान लो 100 पहले किए, 200 आदमी ने पहले लॉगिन करके रखा है ऑटो लाइकर पे, तो अगर आपने जैसे लॉगिन किया तो 201 हो गए, तो आपका जो 201 का इसको लाइक, इसका लाइक इसके पास, इसका लाइक इसके पास, ऑटोमेटिक लाइक करता है। इससे ये होता है आपकी आईडी से किसी के भी फोटो को लाइक कर सकता है, आपने उसको परमिशन दे दी कि आपके ले भाई मेरी आईडी, अब जो करना है कर। तो उससे ये होता है कि आपकी आईडी से दूसरी आईडी दूसरे वालों को लाइक करता है और उसकी आईडी से आपको लाइक करता है, तो आप खुश हो जाते हो यार लाइक मेरा बढ़ रहा है। बढ़ नहीं रहा है, आपकी जो प्राइवेसी है, डेटा है, वो हैक हो सकती है। हैक क्या एक्सेस करता है, सारे डेटा उन लोगों के पास होते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो प्लीज ऑटो लाइकर से बचे, फेसबुक हो इंस्टाग्राम हो इन सबसे बचे, अपनी आईडी को सेफ रखे, सुरक्षित रखे। जो भी लाइक आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, उसमें खुश रहिए, कम साधनों में ही खुशी ढूंढिए, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढिएगा, खुशी मिलेगी। ऑटो लाइकर वाले के पास ना जाएं, हमारी यही सलाह रहेगी। तो दोस्तों ये वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल टेक्निकल बाबा जी पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आपका एक सब्सक्राइब मिले गोल्ड कॉइन के बराबर है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल बटन भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले अगले अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप वहां पे मैं अच्छी अच्छी फोटोज डालता रहता हूँ, नीचे आईडी डिस्प्ले हो रही है, तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए शुभ रात्रि, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।